तेरा हो चुका हूँ मैं, तेरा हो चुका हूँ, तेरा हो चुका मुझे अब तो दीदार दिखा दे मैं, तेरा हो चुका। प्रणाम दोस्तों, आप सभी संगीतकारों का स्वागत करता हूँ और आप सभी लोगों को पुनः दीपावली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी शुभकामना के साथ एक बहुत ही प्यारा सा गीत, यकीनन मेरा विश्वास है यदि आप इस गीत को तैयार कर लेते हैं, थोड़ा टफ भी है, मुश्किल भी है, तो यदि आप इसका अभ्यास करेंगे, मेहनत करेंगे, तो यकीनन ये जो गीत है, ये जो गज़ल है, गज़ल भी कह सकते हैं आप इसको, भजन भी कह सकते हैं, भजन गाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें जो भाव है, इसमें जो इफ़ेक्ट है, वो हृदय को छू लेने वाला है। आत्मा से निकला हुआ संगीत इसमें है, और जो शब्द है और जो तर्ज है और जो राग दरबारी का इसमें जो प्रभाव है, यदि आप इसको पूरी ईमानदारी के साथ परफॉर्म करेंगे तो यकीनन ये जो गीत है श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। ये वीडियो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको एक एक शब्द, एक एक लाइन देखना है, पूरा वीडियो देखना है और इस भजन को सीखना ही है। मेरा आप सभी लोगों से कहना है कि इस भजन को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो भजन है इसमें क्लासिकल का पूरा इम्पैक्ट आपको मिलेगा और जो सेमी क्लासिकल के अंदाज में भी आप इसको गा सकते हैं, ठुमरी के अंदाज में भी आप इसको गा सकते हैं, ठीक है। तो ठुमरी का भी थोड़ा सा चलन यदि आप देखेंगे तो आपको इसमें देखने को मिलेगा। और दूसरा, यदि आप ईश्वर की साधना करते हैं और एक भक्त का कैरेक्टर आपके भीतर है तो यकीनन ये भजन आपको करना ही चाहिए। मेरा विश्वास है, मेरा दावा है, यदि आप इस वीडियो को देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, तो वीडियो को देखने के बाद आपके जो भाव है वो सारे बदल जाएंगे। इतना प्यारा गीत है ये और इतना सुंदर इसकी कंपोजिशन है, राग दरबारी पर ही आधारित है और इस पर अभी कोई वीडियो नहीं बना है, और मैं वही संगीत आप तक पहुँचाता हूँ जिस पर बहुत ही कम वीडियो बने हैं और जो सोलफुल होता है, आत्मा को छू लेने वाला होता है। सोलफुल संगीत मतलब आत्मा को छू लेने वाला संगीत, भावपूर्ण संगीत। तो ये भावपूर्ण गीत, ये भावपूर्ण भजन आप लोगों को तैयार करना ही है यदि आप संगीत सीख रहे हैं तो। तो आइए शुरू करते हैं, राग दरबारी का थोड़ा सा हम चलन देखेंगे। वैसे राग दरबारी पर मैंने और भी भजन अपलोड किए हैं, यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो देख सकते हैं उनको, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी है। और इस भजन में भी हम राग दरबारी का थोड़ा सा चलन देखेंगे, कुछ ताने भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक एक लाइन की नोटेशन बताने वाला हूं, एक एक शब्द की नोटेशन बताने वाला हूं, अलाप बताने वाला हूं, तान भी बताने वाला हूं। मैंने बहुत मेहनत की इस वीडियो के लिए, इसलिए आपको वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है और इसको शेयर भी करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये गीत पहुँचे, क्योंकि बहुत ही भावपूर्ण गीत है ये। तो आइए इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी स्केल बता देता हूँ, स्टैंडर्ड काली एक से ही मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो गीत है इतना ऊपर जाता है, यदि आपकी गले की रेंज है तो ही आप इसको गा सकते हैं, और यदि नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं गा सकते हैं, बिल्कुल गा सकते हैं। आपको अपनी स्केल काली एक से नीचे के सुरों को आपको प्रयोग करना है। काली पाँच आप स्टैंडर्ड अपनी स्केल रख सकते हैं या काली चार रख सकते हैं मंद सप्तक की, क्योंकि इसका जो चलन है वो तार सप्तक के पंचम तक जाता है। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना लंबा होगा, कितना बड़ा होगा, लेकिन मैं एक ही वीडियो में आपको इसको पूरा बताने वाला हूँ, तो हो सकता है आधे घंटे का वीडियो हमारा हो, ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपको देखना है पूरा वीडियो और समझना है, और जो चीज़ समझ में नहीं आए आपको उसको कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछना है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि मेरी कोशिश है कि आप जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं उनको संगीत सीखने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। मैंने अपना नंबर भी दे दिया, यदि कुछ दिक्कत हो आपको इस वीडियो से संबंधित तो आप मुझे WhatsApp पे मैसेज भेज करके भी पूछ सकते हैं। और यदि आपको मुझसे जुड़कर संगीत सीखना है तो उसकी भी जानकारी मैंने आपको पहले भी दे दी है, अभी भी दे रहा हूँ, आप मेरे WhatsApp नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं और लाइफ टाइम के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं, उसका भी मैंने आपको ऑप्शन दिया है। तो आइए राग दरबारी का थोड़ा सा चलन देखते हैं। राग दरबारी में गा धा नी कोमल प्रयोग होता है, क्योंकि आसावरी थाट का राग है, थाट आसावरी में गा धा नी कोमल प्रयोग होता है और थाट आसावरी से ही ये निकला है। तो राग दरबारी का चलन क्या होगा? गा धा नी कोमल के साथ,
देखिए ऊपर स्वर आएंगे, आप वहां से नोट कर सकते हैं। लगाने का अंदाज आपको वीडियो में ध्यान से सुनना है, क्योंकि खड़े खड़े स्वरों को लगाने से राग का इफेक्ट नहीं आता, इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, सुनना है और उस पर मनन चिंतन भी करना है आपको। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कुछ स्वर समूह राग दरबारी के, देखते हैं। पहले मैंने स्वर कौन सा लगाया, सा ध नी रे सा, ध नी रे सा, ठीक है। दूसरा इसका टुकड़ा लगाया मैंने सा रे पा ग रे सा, दूसरा लगाया सा रे पा ग पा ग, पा से सीधा गा पे आया हूं, ये ध्यान रखना है। सारे पागे सा, ठीक है। अगला देखते हैं मा पदी पा, यहां पे वक्रता लिए मैंने नी के बाद में, देखिए मा पधानी पा। अगला पानी पा मा पा ग मा रे सा, फिर से देखिए मा पानी पा मा पा ग मा रे सा, मा पानी पा, ये मा पानी पा आपको थोड़ा फास्ट लेना है, मा पानी पा मा पा ग मा रे सा, ध नी रे सा। और भी आपको बता देता हूं, के बाद में सा पे आना है, सा बोलना नहीं है, फिर गा पे आना है। देखिए फिर से अंदाज आपको समझ में आएगा, सा ध नी रे गा मा रे सा, मा पा धा नी सा, मा पा धा नी सा, अब नी पे मैं हरकत ले रहा हूं, ये लेना है आपको, सा नी सा रे सा नी सा ध नी पा, ध नी पा, नी पे हरकत ले रहा हूं, ये फोकस करना है आपको। यदि हरकत नहीं लूंगा तो कैसे होगा, ध नी पा, मजा नहीं आएगा। ध नी पनी पमा पग मे सी पनी रे सा। तो मंद सप्तक में मध्यम तक भी आप जा सकते हैं, चाहे तो ऊपर भी जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऊपर इसका पंचम तक चलन है, तो आपको ऊपर भी जाना है इसको और भी खूबसूरत बनाने के लिए। देखिए मा पदनी सा दनी रे चले गए, धनी रे गा धनी रे गा मा रे सा, सा ध नी प म प ग मा रे सा, ठीक है। इस तरीके से आप राग दरबारी का माहौल बना सकते हैं इन स्वरों को गा करके। तो आइए शुरू करते हैं हमारा भजन, और इस भजन में चाहे तो आप दोहा ले सकते हैं शुरुआत में, या इन्हीं स्वरों पे आप दोहा भी बोल सकते हैं, मैं आपको अंदाज बता देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से दोहा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहला दोहा देखते हैं, उसको लेना है हमें सा से उठाना है, कैसे उठाएंगे, सुर ए मैया सर
सरस्वती सुर है मैया सरस्वती साधनीपा मैंने आपको बताया था उसी पर ये शब्द है सुर है मैया सरस्वती ऐसे भी बोल सकते हैं सानी धनी पा ऐसे भी या फिर साधनी पा इसे बोल सकते हैं सुर है मैया सरस्वती हर सुर में बसे फिर से देखिए हर सुर में बसे राम पामा पसानी धनी पा ये सुर इसमें प्रयोग हो रहे हैं हर सुर में बसे राम अगली लाइन रागी जो देखिए रागी जो सुनाए रागिनी सानी धरी पामागा मारे सा ये सुर इसमें प्रयोग हो रहे हैं रागी जो सुनाए रागिनी तोरो ठीक है इस तरीके से आप एक दोहा बोल सकते हैं और भी दोहे बोल सकते हैं क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यदि मैं आपको दोहा बताऊंगा तो आप अपने हिसाब से दोहा सेलेक्ट कर सकते हैं और भी विस्तार कर सकते हैं तो आइए मैं आपको भजन की पहली लाइन बताता हूं शुरुआत कहां से करनी है रे से अब तो दीदार दिखा दे फिर से देखिए अब तो दीदार माँ को टच करते हुए भी आ सकते हैं गापे या पासे गापे भी आ सकते हैं ज्यादा फर्क नहीं है अब तो दीदार दिखा दे रे सारे मांगा मारे सा आगे देखिए अब तो दीदार दिखा दे मैं तेरा सारे सारे सा मैं तेरा तेरा ये इफेक्ट लेना है आपको तेरा हो चुका मुझे अब तो दीदार दिखा दे मैं तेरा हो चुका मुझे अब तो दीदार कि इस तरीके से आपको इसकी पहली लाइन लेनी और इसी लाइन को ऊपर कैसे गाएंगे तेरा हो चुका हूं तेरा हो चुका हूं पा को बेस मान के मा से शुरू करना है मा पा धानी सा तेरा हो चुका ठीक है मा पदनी सारे सानी तेरा हो चुका हूं मैं सारे सानी मैं ये वाला आपको ऐड करना है अंदाज तेरा हो चुका हूं मैं फिर से देखिए तेरा हो चुका हूँ मैं तेरा हो
फिर से देखिए, तेरा हो चुका हूँ मैं, तेरा हो चुका हूँ। ऊपर नोटेशन आ रही है, वहां से आप स्वर नोट कर सकते हैं और गाने का अंदाज वीडियो में देख के सीखना है। तेरा हो चुका हूँ मैं, तेरा हो चुका हूँ। अगला अंदाज, तेरा हो पामा पसा, तेरा हो चुका हूँ। इस तरीके से, तेरा हो चुका मुझे, अब तो दीदार दिखा दे मैं, तेरा हो चुका मुझे, अब तो दीदार दिखा दे मैं, तेरा हो चुका। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका मुखड़ा गाना है। आइए इसका अंतर देखते हैं। नाम सुना मैंने तेरा, मां पदनी साजा, नाम सुना मैंने तेरा, ते अलाप ले सकते हैं यहां से। नाम सुना मैंने तेरा, तेरा के बाद मैं अलाप दे रहा हूं आपको, ऊपर नोट करना है आपको और कौन से स्वर बोलना है या फिर कैसे अंदाज में आपको गाना है, सुनिए। नाम सुना मैंने तेरा, तेरा तेरा, नाम सुना मैंने तेरा, आ देखिए। नाम सुना मैंने तेरा, उसके बाद में ये अलाप लेना है आपको, आ आ आ, सा नी धा नी पा, आ मा पा गा, आ मा पा गा मारे सा, ये आपको अलाप में स्वर प्रयोग करना है, उस पे आकार में बोलना है आपको आ में, मैंने आपको बताया कि। फिर से देख लीजिए। नाम सुना मैंने तेरा, नाम सुना मैंने तेरा, पे रुकना है, आ यहाँ पे गा तक हमें जाना है। दुनिया से मुखड़ा फेरा, नाम सुना मैंने तेरा, दुनिया से मुखड़ा फेरा। उसके बाद कैसे लेना है ऊपर पातक, कैसे गाना है देखिए। मैंने हर दम तुझको हेरा, मैंने हर दम तुझको सुर इसमें प्रयोग हो रहा है, बहुत ऊंचा जाता है, इसलिए आपको ऐसी स्केल का सिलेक्शन करना है कि आपकी आवाज तार सप्तक के पंचम तक चली जाए। हालांकि पाका थोड़ा सा ही प्रयोग हुआ है, लेकिन मा तक तो हमें जाना ही है, पातक भी हमें टच करना है। ठीक है,
मैंने हरदम तुझको एक लोको। उसके बाद में पापे आना है और अगली लाइन शुरू करना है। आपको फिर से बताता हूँ, मैंने हरदम तुझको हेरा। उसके बाद सासे पापे आ जाना है और मार्च शुरू करना है। एक लोको लगा चुका मुझे, एक लोको लगा चुका मुझे, अब तो दीदार दिखा दे तरीके से। आपको इसका पहला अंतरा गाना है। आप चाहे तो इसमें छोटे छोटे स्वर समुदाय को प्रयोग कर सकते हैं आलाप के रूप में, क्योंकि इसमें तान ज्यादा बोली नहीं जाएगी, इसमें आलाप का प्रयोग बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो आलाप वाली है, तो इसमें आलाप के और भी बहुत सारे स्वर आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मम वरनी पम पग मे रे सा नी सा रे पा मा पा गा मा रे सा धरी रे सा। ये एक तान है, लेकिन आपको अलाप के रूप में इसका प्रयोग करना है। फास्ट नहीं बोलना है आपकी, क्योंकि जो ये भजन है उसकी प्रॉपर्टी अलाप वाली है, वो ठेराव वाला भजन है। रे सा नी सा रे पा मा पा गा मा रे सा धरी रे सा। देखिए रे सा नी सा रे पा मा पा गा मा रे सा धनी रे सा नी सा रे पा मा पा गा मा रे सा धनी रे सा दीदार दिखाने में झुका। आइए आगे अंतरे देखते हैं। मैं आपको इसके सारे अंतरे बताने वाला हूँ, क्योंकि इस पर कोई वीडियो नहीं बना है और ये आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो आपको एक या दो वीडियो जरूर मिलेंगे, लेकिन सिखाने का जो वीडियो है आपको नहीं मिलेगा इसमें। इसलिए मैं आपको सारा भजन गा के बता रहा हूँ, ताकि आपको इसकी तर्ज, इसकी जो कंपोजिशन है और इसका जो इफेक्ट है, इसका अंदाज है, वो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। आइए दूसरा अंतरा देखते हैं। पहना फकीरी बाना, सेम नोटेशन, इसलिए बता नहीं रहा हूँ, आपको सुनना है। पहना फकीरी बाना मुझे दुनिया दे रही ताना, फकीरी बाना मुझे दुनिया दे रही ताना, तेरे इश्क में क्या शर्माना, तेरे इश्क में क्या शर्माना, कुर्बान हो चुका मुझे भाव आपको समझना है, कितना प्यारा भाव है, कितनी मधुरता है इसमें। जितना हो सकता आपको मधुर बनाना है इसको और दिल से गाना है, तभी ये इफेक्ट आएगा। तेरी विरह सताए, शब्दों का भाव लाना है वॉइस में। तेरी विरह सताए, स्वर वही है सारी
तो वही वाले स्वर जो मैंने आपको पहले बताए हैं, आइए आखिरी अंतरा देखते हैं। जिन्होंने ये गीत लिखा है उनके निमित्त ये अंतरा है, इसको भी हमें देखना है। आइए देखते हैं। आया हूँ तेरे दर पे, दर दर आया हूँ तेरे दर पे, जाऊंगा दर्शन करके। आया हूँ तेरे करके, आया हूँ तेरे दर पे, जाऊंगा दर्शन करके। अचल अचल राम हटेगा अमर के, अचल राम जी का ये भजन है इसलिए कहना है। अचल राम हटेगा, अचल राम हटेगा अमर, छू लेने वाला ये गीत राग दरबारी पर आधारित था। इसे आप जो नोटेशन मैंने आपको बताया, इस नोटेशन के अकॉर्डिंग गा सकते हैं। और गाने का और बजाने का जो हारमोनियम का अंदाज है वो आपको वीडियो में देख करके सुन करके सीखना है, क्योंकि स्वर नोटेशन पर बिल्कुल खड़े खड़े होते हैं, वो इफेक्ट नहीं आएगा। तो वो इफेक्ट आपको वॉइस इफेक्ट लाना है अपने गले में, उसके लिए अभ्यास करना है, रियाज करना है। मैंने पहले भी आपको बताया है, कई सारे लोगों को मेरे पास मैसेज आते हैं व्हाट्सअप पे, कमेंट में भी लोग पूछते हैं, सर हमारी उम्र 80 की हो गई है, 85 की हो गई, कि हम संगीत सीख सकते हैं। संगीत सबके लिए है, संगीत सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप जब भी आपके जहन में संगीत का बीज अंकुरित होता है, आप उसी दिन से आपकी संगीत की शिक्षा शुरू हो जाती है। बस आपको बढ़ाना है, मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है, रियाज करना है, क्योंकि जो रियाज करता है वही राज करता है संगीत पे। साधना आपको करनी है और किसी के लिए नहीं गाना है, ईश्वर के लिए गाना है। यदि आप ईश्वर के लिए गाएंगे तो वो भाव भी आपके वॉइस में आएगा। आज नहीं आएगा, कल आएगा, लेकिन ज़रूर आएगा। और बजाने की प्रैक्टिस, गाने की प्रैक्टिस, ये सब प्रैक्टिस से होगा, और जो भाव है वो आएगा साधना से। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको निरंतर अभ्यास करना है। कहीं भी दिक्कत आए वीडियो से संबंधित, मैंने आपको ऑप्शन दिया है, आप मुझसे जुड़ करके कंसल्ट कर सकते हैं। थोड़ा शुल्क ज़रूर है, क्योंकि कई सारे लोगों का मैसेज आते हैं, इतने सारे हज़ारों लोग वीडियो देखते हैं, तो कोई भी फ़ोन लगा देता है। अब ज़रूरी नहीं कि सभी साधक हो, कुछ लोग ऐसे ही लगा देते हैं फ़ोन, अब सबको नहीं सिखा सकते हैं।
इसलिए न्यूनतम शुल्क रखा है ताकि वही व्यक्ति हमसे जुड़े जिसको वाकई में संगीत सीखना है। तो यदि मेरी ज़रूरत है तो मैं भी हाजिर हूँ। बाकी मैंने वीडियो में बहुत ईजी तरीके से सरलता से जितना हो सकता है मैं बताने का कोशिश करता हूँ, तो वहाँ से आपको अभ्यास करना है और सीखना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो ये गीत, ये भजन, ये गज़ल आप अपनी गायकी में शामिल करिए और खूब सारा अभ्यास करिए, रियाज करिए और राज करिए। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर से मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।